इंदौर के जोन क्रमांक 19 से लगे हुए स्कीम नंबर 140 में खाली प्लॉट में आज उद्धार कर्मचारियों को दो मुंह का सांप दिखाई दिया, जिसकी सूचना जोनल अधिकारी को दी गई। जोनल अधिकारी देवलासी जी के निर्देश पर दो मुंह सांप को पकड़कर चिड़ियाघर भेजा गया। आपको बता दें कि इस दो मुंह सांप की बाजार में लाखों की कीमत बताई जा रही है। इस सांप से कई प्रकार की दवाइयां तैयार की जाती है। आज सुबह स्कीम नंबर 140 में खाली प्लॉट में उद्धार कर्मचारियों को दो मुंह का सांप दिखाई दिया। तुरंत ही इसकी जानकारी जोनल अधिकारी देवलासी जी को दी गई और उनके निर्देश पर दो मुंह सांप को पकड़कर चिड़ियाघर के सुपुर्द कर दिया गया। उद्यान कर्मचारी पंकज दुबे द्वारा इस दो मुंह सांप को पकड़ा गया। श्री दुबे ने बताया कि लगभग 8:30 बजे सुबह हमारे कर्मचारियों ने इसकी जानकारी दी। इस सांप की लंबाई 2.5 से 3 फीट बताई जा रही है, जिसकी बाजार में लाखों की कीमत होती है, जिसके कारण इस दो मुंह सांप की तस्करी भी दवाई के उपयोग में की जाती है। आपने जो आज दो मुंह का सांप पकड़ा है, तो ये जोन के सामने से हमने इसे पकड़ा है। 8:15 बजे के समथिंग का टाइम था, हमारे कर्मचारी वगैरह भी खड़े हुए थे, तो उसे हमने पकड़ा। और उसके बाद जोनल अधिकारी जो हमारे हैं देवलासी जी, उनके निर्देशानुसार उसे चिड़ियाघर छोड़ा गया है। और मैं उद्यान कर्मचारी हूँ। कितने फीट का सांप था करीब? ये 2.5 से 3 फीट का सांप था। तो कैसे आपको दिखा वो, कैसे जानकारी? ये बाहर कर्मचारी जी थे हमारे, उन्होंने हमें सूचना दी, तो हम जाके उसको देखा, तो फिर उसको पकड़ा गए। अच्छा, आपका नाम बता दीजिए। पंकज दुबे, जोन 19।